हेलो फ्रेंड्स, आज का जो क्वेश्चन है वो है विच रेशियो इज ग्रेटर। हमें इसमें बताना है कि कौन सी रेशियो बड़ी है। तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझा रही हूँ। तो देखिए, पहले हम लिखेंगे वी हैव द रेशियोस 3:4 एंड 5:6, जो कि हमारे पास रेशियोस है 3:4 एंड 5:6। वी कैन राइट दी गिवन रेशियोज एज फ्रैक्शंस। पहले तो हम इन जो रेशियो हमें दी हुई है, हम उस रेशियोज को फ्रैक्शंस में लिखेंगे, ऐसे 3/4 एंड 5/6। नाउ एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 इज 12। फिर हम उसका एलसीएम लेंगे, 4 एंड 6 का हम एलसीएम लेंगे, जो कि आया है हमारे पास 12। नेक्स्ट, मेकिंग द डिनोमिनेटर ऑफ ईच फ्रैक्शन इक्वल टू 12 We get। उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमें डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर फ्रेंड जो नीचे वाला उसका पार्ट होता है, डिनोमिनेटर है वो हमें ईच फ्रैक्शन का, एक फ्रैक्शन का हमें जो लेना है वो 12 के इक्वल होना चाहिए। नाउ हम ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट हम 3/4 लेंगे, 4 × 3। जैसे कि मैंने आपको बोला, जो उसका डिनोमिनेटर है वो 12 के इक्वल होना चाहिए, जो हमें फ्रैक्शन दिया है 12, 4 × 3 = 12। और जो हमने नीचे डिनोमिनेटर लिया वही हमने ऊपर लेना, सेम 3 × 3, 3 × 3 = 9, 9/12। नेक्स्ट 5/6, 6 × 2 = 12। आ गई ना नीचे डिनोमिनेटर इक्वल 12 के, और सेम हमें ऊपर भी 2 लेना है, 5 × 2 = 10। क्लियरली हमें सीधा पता चल रहा है 10 बड़ा है 9 से, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे 10/12 ग्रेटर देन 9/12। 5/6 greater than 3/4, hence the ratio जो 5:6 है वो इस तरह से बढ़ी है।